Hello dear business owners, welcome to this video. Mera naam hai Sunil Chaudhary and in this video I am going to talk about the sales funnel. Sales funnel kya hota hai and why it is necessary. Agar aapke paas hai to theek hai, kitna effective hai wo aap soch sakte hain, aur agar nahi hai fir to hona hi chahiye. अभी मैं एक सोशल मीडिया पर एक मीम देख रहा था. मीम आप समझते होंगे, इमेज, और इमेज के ऊपर कुछ डायलॉग लिखा होता है. तो वहां लिखा था कि केजीएफ में जैसे वो बोलता है वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड. तो बिजनेस अगर आपका है और उसमें आपके पास सेल्स फनल नहीं है तो काफी हद तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर रहे हैं कायदे से, जिस तरीके से आपको करना चाहिए. सेल्स फनल, फनल एक कीप कीप जैसा होता है, उसमें हम डालते हैं कोई चीज, नीचे से जाती है और एंट्री में चली जाती है. तो फनल में एक एंट्री होती है, एक मीडियम पार्ट होता है, एक क्लोजिंग पार्ट होता है. तो फनल बहुत जरूरी है. सेल्स फनल, सेल्स फनल में सबसे पहले जो भूमिका होती है वो होती है लैंडिंग पेज की. और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट, कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वन सिटी वन कैटेगरी वन क्लाइंट, उनके लिए हम सेल्स फनल फ्री में सेटअप करेंगे. यानी जो सेटअप है वो फ्री है. जो सेल्स फनल आप किसी भी कंपनी से लेने वाले हैं उसका पेमेंट आपको खुद करना है. फॉर एग्जाम्पल क्लिक फनल्स, कन्वर्ट किट, और कोई भी सेल्स फनल आप चूज करेंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं कौन सा आपके लिए इफेक्टिव है. तो जो सेटअप है वो भी काफी कॉस्टली होता है, बट हम अपने क्लाइंट्स के लिए, वन सिटी वन कैटेगरी वन क्लाइंट के लिए ये सेटअप बिल्कुल फ्री करने वाले हैं और उसको मेंटेन भी करने वाले हैं. ऑसम. सो सेल्स फनल होता क्या है? तो सेल्स फनल को हम पाइपलाइन भी कहते हैं. पाइपलाइन, इधर से डालो कस्टमर को उधर से निकालो, इधर से डालो कस्टमर को उधर से निकालो. तो ये रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स इस पाइपलाइन में एंटर हुए और वो किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये हमें समझना होता है. इसमें स्टेजेस होती हैं, ट्रिगर्स होते हैं. सबसे पहले लैंडिंग पेज बनता है, फिर बंदा वहां से एंट्री करता है अपना नाम ईमेल आईडी डाल के. तो उसके बाद फिर उसको एक ईमेल जाता है या व्हाट्सएप मैसेज जाता है या एसएमएस जाता है, उसमें भी एक लिंक होता है. तो अगर उसने बंदे ने उस जो सेकंड जो उससे इंटरेक्शन हो रहा है उसके ऊपर क्लिक किया है तो हम समझ जाएंगे कि कस्टमर हमारा, क्लाइंट हमारा अभी भी इंटरेस्टेड है. तो वो दूसरी स्टेज में चला गया है. फिर उसको तीसरा कम्युनिकेशन, तीसरा ईमेल, तीसरा व्हाट्सएप, तीसरा एसएमएस जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक करता है तो हम समझेंगे अभी भी इंटरेस्टेड है. फिर हम उसको सेल्स पिच करेंगे, फिर वो उस पर क्लिक करेगा और हो सकता है वो खरीद ले, तो वो क्लोज हो जाएगा. तो कुछ ऐसे स्टेजेस हमारे सेल्स फनल में होते हैं और कुछ लोग, बहुत सारे क्लाइंट उन पर क्लिक नहीं करते हैं तो वो हमारे कस्टमर्स नहीं बनते. सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स फनल का, वो होता है आपकी क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, लीड को अट्रैक्ट करना. सबसे पहले हम एक एड चला सकते हैं फेसबुक पर, गूगल पर, या न्यूज़पेपर में क्यूआर कोड लगा के, कई तरीके से कर सकते हैं. तो बंदा वहां से अगर इंटरेस्टेड होगा तो एंट्री करके आएगा, नाम ईमेल आईडी देगा, तो वो हो गया अट्रैक्टिंग द लीड, अट्रैक्टिंग द विजिटर. पांचों बंदा हमारे फनल में आ चुका है और वो इंटरेस्टेड है फिलहाल, उसको हमारे प्रोडक्ट की जानकारी हो चुकी है और इसको बोलते हैं अवेयरनेस स्टेज. उसको पता चल गया है कि भैया सुनील सेल्स फनल बनाने में मदद करता है. जस्ट बजार कंपनी की एक सर्विस है, वन सिटी वन कैटेगरी वन क्लाइंट, बहुत ही पावरफुल ऐसी सर्विस है, उसको पता चल चुका है. उसके बाद हम उनको फिर नर्चर करते हैं. नर्चर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को पिछले समय से लगता रहता है कि भाई फटाफट से जाओ कस्टमर को ये बताओ, कस्टमर पेमेंट कर देगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हंटिंग, हंटिंग शिकार करना, शिकार मिला तीर मारा शिकार करता हम, ठीक है. बट हमें करनी है नर्चरिंग, क्योंकि उस शिकार को हमें मारना नहीं है, हमें हंट करना है, फसल उगानी है, पानी देना है, खाद बीज देना है, उसका ख्याल रखना है, उसको ग्रो करना है, राइट. तो वो नर्चरिंग कहलाता है. इसके लिए अपने अपने क्लाइंट को प्रॉपरली
नर्चरिंग करना है, ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एक हेल्दी और पावरफुल कम्युनिटी बनानी है जहां आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं जो फनल के जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कोशिश करते हैं कि हम लीड्स को कन्वर्ट करें। हम डील करते हैं फिर उनके साथ, उनकी जरूरत को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और बात करते हैं उनसे, वी टॉक टू द लीड्स, राइट। और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनको उसी उसी की जरूरत है, आपके प्रोडक्ट की जरूरत है नहीं है, तो सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी है, अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस उनके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फनल। अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर उसको मोबाइल की जरूरत है ही नहीं, आप मोबाइल उसके ऊपर थोप रहे हैं तो बिकने वाला नहीं है मोस्टली, कोई तुक्के में बिक जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो वहां पे हमने रिक्वायरमेंट गैदर की, उससे बात की, लीड से समझा और फिर हमने उसको पूरा प्रॉपरली समझाया कि ये प्रोडक्ट आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप फनल का, वो बॉटम ऑफ द फनल होता है जहां पर हमें क्लोजिंग करनी होती है। तो फिर वहां पर हमें क्वालिफाई कर लिया है, हमने लीड्स को, हमें समझ लिया है, रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली है, एजुकेशन प्रोसेस हो चुका है, नर्चरिंग हो चुकी है, तो अब सीधा सीधा है कि कस्टमर पेमेंट करेगा और वो आपका कस्टमर बनेगा और लीड जो है क्लोज हो जाएगी। अब लीड क्लोज होने के बाद भी हो सकता है वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बंदा खरीद ले। फॉर एग्जांपल, बंदे ने मोबाइल खरीदा है तो चार्जर भी खरीदेगा, मोबाइल का कवर भी खरीदेगा, सेफ्टी कवर भी खरीदेगा, मोबाइल इंश्योरेंस भी खरीदेगा। मोबाइल खरीदने वाला सकता है वो कल को टैब खरीद ले, फिर कंप्यूटर खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, तो उसको फिर भी छोड़ना नहीं होता है। फिर उसको अपने कम्युनिटी में बनाए रखिए, न्यूज़लेटर में बनाए रखिए, फेसबुक ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिए, तो वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटजी करी। और सेल्स फनल में बहुत सारे पॉजिटिव जो पॉइंट्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया आपको कि बिजनेस है तो सेल्स फनल को अवॉइड नहीं कर सकती। आपने आज तक सेल्स फनल लिया है तो आपको लेना पड़ेगा 100%। अगर आप नहीं लेंगे तो आप बड़ा जो पार्ट है अपने बिजनेस का वो लूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो आपके एम्प्लॉयज वो काम नहीं कर सकते, कोई भी कितनी भी टीम बैठा लो आप वो काम नहीं कर सकती जो एक परफेक्ट लैंडिंग पेज कर सकता है। परफेक्ट लैंडिंग पेज के ऊपर आप अपने कस्टमर को, लीड को प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या सर्विसेज हैं, वहां से वो बंदा इंटरेस्ट शो करता है, तो वो जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है आपकी, आपको पूरा डेटा आ जाता है, वो ऑसम चीज है, वो यू कैन नॉट अचीव दैट विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और जब आप सेल्स फनल यूज कर रहे हैं काफी दिनों से, तो आप आने वाले 1 महीने, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए अपने रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की सेल हमने पिछले साल में की है, किस तरह की सेल हमने 6 महीने में की है, 1 महीने में की है, जनवरी में कितनी थी, मार्च में कितनी थी, फरवरी में कितनी थी। तो आगे की प्लानिंग आप कर सकते हो कि इस महीने में ऐसा बिहेवियर होता है, इस महीने में इतनी क्लोजिंग्स होती हैं, और ये पूरा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो सेल्स फनल आपने यूज किया है तो। सेल्स फनल आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाता है पार्ट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है सेल्स फनल से, क्योंकि हमें हर स्टेप पर पता है कि किस बंदे ने कहां पर क्लिक किया है और उसके साथ अब कैसे डील करना है। सेल्स फनल में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, उसने जहां क्लिक किया वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसका बिहेवियर कस्टमर का रिकॉर्ड हो रहा है, अब उसके साथ कैसे डील करना है वो आपको पता है। अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट 10,000 का है और कहीं ना कहीं कस्टमर ने इसलिए नहीं खरीदा है कि 10,000 का है, तो फिर उसको एक डिस्काउंट वाला ईमेल जाना चाहिए या डिस्काउंट वाली कॉल उसको जानी चाहिए, तो उसको वहां से डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई बंडल ऑफर दे सकते हैं, उसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है और बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाता है कि आपको पता है कि इतने मेरे पाइपलाइन में हैं, इनमें से किसको किस तरीके से अपना कस्टमर बनाया जा सकता है, और आपको ये भी पता लग जाता है कि मेरे प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इनमें क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्स फनल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर बिजनेस। और मैं बता दूं कि किस तरह के बिजनेस के लिए सेल्स फनल फायदेमंद है। तो देखिए, मैं ऐसे बात करता हूं, सबसे पहले पैकर्स एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स का लैंडिंग पेज होगा तो उनका सेल्स फनल कितना छोटा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अर्जेंसी नीड होती है तो वहां 3, 4, 5 ईमेल का सेल्स फनल होना चाहिए, तो वो वहां पे होगा। उसके बाद बात करते हैं फॉर एग्जांपल सैलून, सैलून का जो सेल्स फनल है वो काफी लंबा हो सकता है, वहां मल्टीपल पैकेजेस होते हैं और सर्विसेज होती हैं, और फिर उसको लॉन्ग टाइम तक आप नर्चर भी कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बनाए रख सकते हैं। तो हर बिजनेस की जो नीड है वो डिफरेंट है। बात करते हैं फिर डॉक्टर की, तो डॉक्टर
का जो सेल्स फनल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पेशेंट को अवेयर किया जाएगा, फिर अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा, फिर पेशेंट अपना इलाज करा के चला भी गया है, फिर उसको एक न्यूज़लेटर में रख सकते हैं, हेल्दी बेनिफिट्स उसको टाइम टू टाइम बताए जा सकते हैं। बात करते हैं एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसका सेल्स फनल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फनल तो सब बिजनेसेस के लिए जरूरी है आपका, इनफैक्ट अगर शोरूम है, रेडीमेड शोरूम है आपके शहर में, तो उसका सेल्स फनल तो बहुत बढ़िया बनेगा कि आप अपना उसको पहले अवेयर करेंगे, डिस्काउंट्स के बारे में बताएंगे, फिर उसको अपनी कम्युनिटी में जोड़िए और फिर लाइफ टाइम बना के रखिए उसको कम्युनिटी में। तो शोरूम का है, कोई भी मोस्टली ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जिसमें सेल्स फनल काम ना करे। इनफैक्ट अगर आपको स्कूटर या बाइक खरीदना है तो आपने लैंडिंग पेज बनाया तो वहां पे एक फॉर्म आता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा, तो उस फॉर्म को आप भर देते हो तो वो सेल्स फनल में एंट्री कर जाता है, फिर तो वो स्टेज में चला जाता है अवेयरनेस की स्टेज में, फिर वहां से हमें वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली सेल्स फनल में एक वीकनेस होती है कि वो एजुकेशन और नर्चरिंग पार्ट मिसिंग होता है, तो ये हम आपके लिए करने वाले हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव सेल्स फनल चाहिए तो हम सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और आपके बिजनेस को देने वाले हैं एक परफेक्ट, ऑसम, एक्टिव, एफिशियंट, प्रोडक्टिव सेल्स फनल। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए सेल्स फनल चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसको व्हाट्सएप कीजिए, हम डिस्कस करेंगे कन्वीनियंट टाइम, फिर कॉल करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का सेल्स फनल आपके बिजनेस के लिए सेट किया जा सकता है। और अगर आप हमारे ओसी 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 क्लाइंट हैं तो फिर हम आपके लिए ये सेटअप फ्री करने वाले हैं, बट आपको सिर्फ सर्विस के पैसे देने हैं, सेटअप के लिंक देने हैं, जहां से भी आप लेने वाले हैं तो वो सेटअप हम करेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे। सेटअप सेटअप में भी कंपनीज लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं, क्योंकि इसमें दिमाग खपी बहुत है, रिसर्च एनालिसिस बहुत है, और आपको लगता है ये रिसर्च एनालिसिस के बिना हो जाता है तो वो सेल्स फनल इफेक्टिव नहीं होने वाला है। रिसर्च, स्ट्रेटजी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल, वीडियो काफी लंबा हो गया है। मेरा नाम है सुनील चौधरी, ऑल्सो नोन एज सुनील टाइम्स गुरु दी, फाउंडर ऑफ जस्ट बाजार, इंडिया इज लीडिंग डिजिटल कोच, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।